नमस्कार, आप देख रही हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ क्रांति सिंह। एक बार फिर खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गुजरात का चुनाव जो है वो चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तारीखों का ऐलान हो जाए और उसके बाद अपने सीएम चेहरे की घोषणा की जाए। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सीएम चेहरे के रूप में जो है यहाँ पर जनता के ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि एक नंबर मैं जारी कर रहा हूँ, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए और बताइए कि आप जो है किसको यहाँ पर सीएम चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर भाजपा की तरफ देखें तो देखिए, भाजपा के लिए इस बार बहुत मुश्किलात जो है वो आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास जो सीएम चेहरा मौजूद था उस सीएम चेहरे के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो जनता ने भी लगा दिया है, क्योंकि उन्हीं के राज में जो है इतना बड़ा पुल हादसा होता है और उसके बाद कई सारे लोगों ने जो है जान गंवा दी। तो लेकिन देखिए, अभी भी भाजपा जो है कन्फ्यूज हो रही है कि उसी चेहरे को उतारे या फिर कोई और नया चेहरा लेकर के आए। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ अगर सीएम चेहरे को लेकर के अगर हम बताएं तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। जो आपको बता दें कि देखिए, कांग्रेस पार्टी में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि आखिरकार इस सियासी भरे माहौल के बीच में किसको सीएम पद पर बिठाया जाए। और सबसे पहले अगर कोई नाम निकल करके आ रहा है तो हार्दिक पटेल का। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्दिक पटेल ने तो भाजपा ज्वाइन कर रखा है तो वो कांग्रेस के उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं। देखिए, दरअसल यही तो मुद्दा फंस रहा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है गुपचुप मीटिंग्स कर रही है, चाहे वो यहाँ पर आज़ाद के साथ हो, चाहे वो यहाँ पर सिंधिया के साथ हो, चाहे वो यहाँ पर पटेल के साथ हो। और हार्दिक पटेल की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि हार्दिक पटेल की तरफ से यहाँ पर एक मुद्दा भी देखने को मिला, क्योंकि भाजपा अब उन्हें अपनी पार्टी में कोई बड़ा स्थान देती हुई नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक रही गुजरात की बात तो देखिए, गुजरात में कांग्रेस उन्हें बड़ा ऑर्डर ज़रूर दे सकती है, और अब तो आलाकमान का चेहरा भी बदल गया है, तो अब उन्हें सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मुखातिब होने की जरूरत भी नहीं है। यानी कि जो दिक्कत थी उस दिक्कत से वो बहुत दूर जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है उनको साथ मिल सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। और खड़गे अगर उनकी वापसी करवा पाते हैं तो हार्दिक पटेल को सीएम चेहरे के तौर पर कांग्रेस उतार सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हार्दिक पटेल के नाम पर जो है उन्हें भारी वोट बैंक गुजरात की जनता दे सकती है। बहरहाल, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हार्दिक पटेल की वापसी एंट्री के बाद जो है वहाँ पर जो सियासी गणित बैठने वाला है, क्या वो कांग्रेस को जिताने में कामयाब होगा या नहीं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।